पलवल के गांव अलावपुर में नागरिक अभिनंदन समारोह के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने धोखे से जनता के वोट हासिल करने का काम किया था। वोट लेने के बाद मदारी की तरह खेल खत्म, पैसा हजम हो जाता था। वादा 24 घंटे बिजली देने का किया जाता था। चुनाव खत्म होने के बाद बिजली आए न आए कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब जब से भाजपा की सरकार बनी है 6500 गांवों में से 6000 से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। कुलवीर देसवाल जी जो यहां से नवनिर्वाचित जिला पार्षद हैं, आज उनका यहां अभिनंदन कार्यक्रम था तो बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहां आए उनका अभिनंदन करने के लिए। तो उन सबसे आज हमको बातचीत करने का मौका मिला, उनका दर्शन करने का मौका मिला और उनके अभिनंदन समारोह में मुझको भी आज सम्मिलित होने का मौका मिला है। कार्यक्रम कल आपका बजट पेश होना है, तो कैसा रहेगा? देखिए, ये जैसे आपने देश का बजट देखा है जो विकासशील से विकसित भारत का आधार रखने वाला बजट है, इसी तरह हरियाणा का बजट आने वाला है जो आम आदमी को राहत देगा और हरियाणा के विकास की आधारशिला रखेगा।